बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहील अलैहिस्सलाम की सूरत रफ़्तार का अजीब वाक़या। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे फिलफोल बड़ी सूरत के साथ ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चार मरतबा किस मौका पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं इस वक्त अर्श इलाही से नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल खलील के आग में पहुंचने से पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। तो चुनांचे मैं बड़ी सूरत के साथ फौरन खलील के पास पहुंचा। दूसरी बार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन अथर पर छुरी रखी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचूं और छुरी को उल्टा दूं। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को ना चलने दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पत्थर पर आराम से बिठा दूँ। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। और चौथी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के काफ़रों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं फौरन ज़मीन पर पहुँचूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर ना गिरने दूँ और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक अपने हाथों में ले लूँ। या रसूलल्लाह, खुदा ने मुझे फरमाया था, जिब्राईल अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना कोई दरख्त। चुनांचे मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुँचा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया।